फाइनली फ्रेंड्स, वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं बैठने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पर। तो ये हम लोगों को अंदर कर दिया गया है और यहाँ से रनवे तक बस के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों की बस होती है जो कि हम लोग अंदर से तुरंत ही एरोप्लेन के पास ले जाती है, वहीं ड्रॉप कर देती हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और देखिए पीछे हमारा जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, वो खड़ा हुआ है। सभी लोगों ने लाइन लगा ली है, लाइन से यहाँ पर एक एक करके जाएंगे और चढ़ने के लिए काफ़ी सारे इसमें ऊपर जगह बनाई गई है। ये देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से फ्लाइट में चढ़ने के लिए बनाया जाता है। खैर, आप लोग हो सकता है वो आए हों, लेकिन मैं तो पहली बार गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से शूट कर रही हूँ और बता रही हूँ। और जो लोग नहीं गए हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा ना देखने के लिए। तो हमारी लाइन भी लग गई है और बहुत ही जल्दी ये लाइन हट जाती है, फटाफट से तुरंत ही यहाँ पर अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कई बार चेकिंग हुई, अब आखिरी में भी यहाँ पर चेकिंग हुई और अब हम लोग इंटर कर चुके हैं एरोप्लेन के अंदर। और मैं हूँ बहुत एक्साइटेड कि कैसा लगेगा। पहली फ्लाइट है तो थोड़ा सा मन में डर सा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं डर लगे। और ये क्या, ये तो अंदर से बहुत बड़ा है। ओफो, मैं तो सोच भी नहीं सकती यार, बाहर से भी बहुत बड़ा लग रहा था, अंदर इतनी सारी जगह होती है। देखिए, तीन तीन सीट इस तरफ है, दो दो सीट इस तरफ है, तो ये काफ़ी बड़ा एरोप्लेन है यार। चलिए हम अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, हमारी सीट नंबर है 15। तो हमें दोनों तरफ से विंडो सीट ही मिली है और ये देखिए हम बैठ गए हैं। और अब हमारा जो एरोप्लेन है ना, वो बहुत ही जल्दी उड़ान भरने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, पैसेंजर आ रहे हैं और ऊपर अपने बैग वगैरह रख रहे हैं। यहाँ पर दो एयर होस्टेज भी होती हैं जो सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं। और मैंने अपनी विंडो ओपन कर ली है, मतलब इसमें ग्लासेस लगे रहते हैं, दो ग्लास बहुत अच्छे मोटे मोटे से, लेकिन आप चाहे तो बंद भी कर सकते हो कि बाहर का व्यूज़ ना देखे। और आप देख सकते हो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, ये मूव कर रहा है, यानी कि ये उड़ान भरने के लिए पहले ये रनवे पर जाएगा, दौड़ लगाएगा, फिर ये उड़ान भरेगा। तो आप मेरे चेहरे से समझ सकते हैं, मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा हंसी भी आ रही थी, खुशी हो रही थी अंदर से, थोड़ा डर भी लग रहा था। और ये देखिए, अब ये धीरे धीरे इस तरीके से दौड़ेगा और एकदम से ऊपर चला जाएगा। और अब फाइनली जो हमारा एरोप्लेन है, फ्लाइट है हमारी, वो ऊपर की तरफ आ चुकी है, यानी कि उड़ने लगी है, ये देखिए। और ऊपर आते ही लगभग ये मेरे तो छोटे छोटे से घर देखने लगते हैं, पर ये और ऊपर आई, थोड़ी और ऊपर आई तो यहाँ पर बादल सारे देखने लगते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, नीचे इतना मतलब धूप नहीं थी, मौसम ख़राब सा लग रहा था, और जब हम बादलों के ऊपर आए तो यहाँ पे बढ़िया खिली खिली धूप थी। इसका मतलब है जो बीच में बादल रहते हैं ना, वो सारी धूप को रोक देते हैं और मौसम को ख़राब कर देते हैं। ऊपर बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम रहता है जो बादल होते हैं इनके ऊपर। और देखिए कितना बढ़िया व्यूज़ है, मज़ा आ गया देख करके। और अभी हमारी एक फ़्लाइट और है जम्मू के लिए, उसमें मैं आपको अलग ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसा व्यूज़ होगा, क्योंकि वो वहाँ पर रात हो जाएगी, वहाँ का व्यूज़ थोड़ा सा अलग होगा। तो अब हमारा जो एरोप्लेन है ये लैंड कर रहा है, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से हमारी जम्मू के लिए दूसरी फ़्लाइट है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जो लोग फ्लाइट में पहली बार बैठ रहे हैं उनसे मैं पर्सनली कहूँगी, बिल्कुल डर नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, मतलब पहली बार था तो मन में था कि ऐसा ना हो कुछ झटके टाइप के लगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एक पल को थोड़ा सा शरीर सून होता है, उड़ता है ये, बाकी बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा लग रहा था कि जैसे चल ही ना रहा हो, थोड़ा बहुत बीच बीच में मूवमेंट हल्की फुल्की समझ में आती थी, बहुत अच्छा रहा। और अब सारे पैसेंजर्स उतर रहे हैं, अपने अपना सामान उठा रहे हैं और हम भी उतर आए हैं। ये आ चुके हैं हम दिल्ली, और यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना, ये वाला जहाँ पर हम लोग उतरे हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमारी फ़्लाइट नहीं है, हमारी फ़्लाइट है टर्मिनल वन से। तो इन्हीं की जो बस आई है वही हम लोगों को टर्मिनल वन पे ड्रॉप करेगी। तो बस ये थी मेरी फर्स्ट फ्लाइट, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमसे आगे ब्लॉग में। बाय बाय।